तो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को ले जाने वाला हूँ एक खूबसूरत जगह पे। तो गाइस, बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अब मैं निकल आया हूँ नेशनल हाईवे पे। तो हमें आधा घंटा लग जाएगा उस जगह पहुँचने में। तो नेशनल हाईवे के बगल पे आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा जहाँ आप रुक के टिफिन भी कर सकते हो, अगर आपको भूख लगे तो खाना भी खा सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, तो बने रहेगा मेरे साथ। अभी हम शांति बाजार पहुँच गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे शांति बाजार में है। तो ये है शांति बाजार का नया ब्रिज। तो अभी हम पेट्रोल डलवा लेते हैं ताकि रास्ते पर कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको राइडिंग का शौक हो तो आप जरूर आइएगा शौक। तो हम अभी पहुंच गए हैं माइक्रो मार्केट। आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है और यहाँ का रोड देखो आप, कितना सीधा और साफ है। अब हम उस रोड पे घुसने वाले हैं जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ आप लोग को कुछ दिखाना है। यहाँ से कुछ पल दूरी पर ही है जहाँ हमें जाना है, तो बने रहेगा मेरे साथ। Thank you.
फाइनली हम पहुंच चुके हैं और ये रहा गेट जहाँ से हमें घुसना है। आप देख सकते हैं बाई तरफ देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। बाइक यहाँ खड़ा कर देते हैं और इस खूबसूरत जगह का नज़ारा लेते हैं। तो पहले भगवान का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को मैं चारों तरफ का जो नज़ारा है उसे दिखाने का कोशिश करूँगा। अगर आप मायूस हो या किसी बात से दुखी हो तो आप ज़रूर जाइएगा यहाँ, क्योंकि भगवान के दर पर शांति ही शांति है। तो दोस्तों, इस पैगोडा का निर्माण 2016 में हुआ था और जिन्होंने बनाया वो अभी बुद्धगया में रहते हैं। उनका नाम डॉक्टर वेन सेंडामुनी माथुर है। इस पैगोडा के निर्माण के लिए बहुत सारे लोगों ने डोनेट किए हैं, जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार और बाकी देशों से भी बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया है इस पैगोडा के निर्माण के लिए। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा।